ओके मोनिका, आप ड्रग इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है ड्रग इंस्पेक्टर इंटरव्यू का। और आपको बताना चाहूंगा, फार्मा रिलेटेड हमने आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, रिगार्डिंग मार्केटिंग, रिगार्डिंग नर्सिंग, रिगार्डिंग डॉक्टर्स, हमने आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड के दे रखे हैं। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो। दोनों चैनल्स पर आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। और बताना चाहूंगा, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस भी आपको हमारे दोनों चैनल्स पर मिलेंगे। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, हमारे एक व्यूवर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे ड्रग इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देना है, तो मुझे उस रिलेटेड प्लीज आप एक मॉक सेशन बनाकर दीजिए। और हमारे स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितनी भी जॉब्स दोस्तों आप सोच सकते हैं उनसे रिलेटेड हमने आपको इंटरव्यूज दे रखे हैं। आप उस जॉब का नाम लिखकर आगे पीडी क्लासेस लिखकर सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई इंटरव्यू और आपको लगता है ये इंटरव्यू हमारे चैनल पर नहीं और आपको जरूरत है इस इंटरव्यू की, बिल्कुल आप हमें लिखिए, हम आपको डेफिनेटली उससे रिलेटेड इंटरव्यू बना कर देंगे। मोनिका, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ड्रग इंस्पेक्टर का वर्क प्रोफाइल क्या होगा। सर, ड्रग इंस्पेक्टर ऑल्सो नोन एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हु इंश्योर दैट मेडिसिन आर सुटेबल फॉर ह्यूमन। और ड्रग सेफ्टी इंस्पेक्टर एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो मॉनिटर करते हैं ड्रग्स सेफ्टी को। और सर, कुछ खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स में की जांच करना भी कार्य इनका ही होता है। और किसी रिटेल, होलसेल या उद्योग में किसी तरह की गलत दवाइयों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पर रेट डालना और उसकी जाँच परखना भी कार्य एक ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। ड्रग इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग एंड चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य और परियोजनाओं में, स्वास्थ्य संबंधित परियोजनाओं और विभागों में वर्क करते हैं। और इनको हिंदी में औषधि अधीक्षक भी कहा जाता है। और किसी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही किसी दवाई का, तो किसी गलत नकली दवाई का मैन्युफैक्चरिंग ना करे, इसका ध्यान रखना भी इसका वर्क होता है। और अगर कोई रिटेल या होलसेल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहता है, तो वो ड्रग इंस्पेक्टर से उसे लाइसेंस लेना होता है। किसी कंपनी में किसी तरह की दवाइयों को जांच परखना या सैंपल लेना, जैसे केमिकल परीक्षणों और बैक्टीरियल परीक्षण के लिए सैंपल लेना, नकली, अशुद्ध और नशीली दवाइयों की जांच को परखना है, इसका वर्क होता है। वंडरफुल। और मोनिका, क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है अगर हमें ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, तो हमें क्या स्किल्स होनी चाहिए? ड्रग इंस्पेक्टर मस्ट बी वेल वेस्ड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। डिफरेंट टाइप, डिफरेंट ड्रग्स के फॉर्मुलेशन का पता होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़नी होती है, जैसे फॉरेंसिक फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी एंड ट्यूटोरियल फार्मेसी। और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकर होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। व्हाट आर शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग्स? सो शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग्स इंक्लूड्स बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। और इसमें सीरम, हार्मोन्स, वैक्सीन और टॉक्सिक एंटीटॉक्सिन जैसे शामिल होते हैं। ओके, एंड व्हाट आर द क्वालिटी सिस्टम? प्रोडक्शन, लेबोरेटरी कंट्रोल इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, मटेरियल एंड पैकिंग एंड लेबलिंग। वेरी गुड। व्हाट इज एच टाइप ड्रग्स? सर, एच टाइप ड्रग्स बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ओवर द काउंटर नहीं बेचे जा सकते। एंड कुछ क्यूएमएस टूल्स बताइए हमें क्या होते हैं। सर, क्वालिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स, ये जो बिजनेस प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने में यूज होते हैं। ओके, एंड कुछ टाइप्स ऑफ क्यूएमएस के एग्जांपल्स? सर, ये होते हैं ISO 9001, AS9100, CMMI और सिक्स सिग्मा। ओके, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूएमएस? एंगेजमेंट ऑफ पीपल, कस्टमर फोकस, लीडरशिप, राइट, इम्प्रूवमेंट अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ICH? श्योर सर। सर, द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ओके, हार्मोनाइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज। यस। कैन यू टेल मी द 5 P's ऑफ GMP? श्योर सर। सर, ये होती है पीपल, प्रीमाइस, प्रोसीजर, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। मोनिका, व्हाट इज सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स? सर, ये सोर्सेज होते हैं हैवी मेटल, चारकोल्स, फिल्टर एड्स, क्रिस्टल्स। Okay. और कुछ 3 types के भी होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेसिड्यूल सॉल्वेंट्स। ओके, इसको हम 2 भागों में भी डिवाइड करते हैं इम्प्योरिटीज को, नेचुरल और एडिड में। यस सर। तो क्या कुछ नेचुरल और एडिड के एग्जांपल देना चाहेंगे? श्योर सर। सर, नेचुरल के होते हैं कॉटन, वुल और सिल्क। और जो एडिड होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डस्ट, डर्ट एंड मिनरल्स। ओके,
Can you tell me the types of drugs? How many types of drugs are there? Yes, sir. Sir, inhalants, steroid or prescription drugs. Okay. There are many other like cannabis, stimulants. Depressants also. Yes, sir. Okay. चलिए इट्स गुड यू आर आंसरिंग गुड. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शंस आर देयर सर. ये होती है प्री प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड प्री शिपमेंट, लोडिंग सुपरविजन एंड पीस बाय पीस. गुड. व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू टेक मेडिसिन सर. ये होते हैं रेक्टल, ट्रांसडर्मल, वेजाइनल, ओरली, इनहेलेशन एंड इंजेक्शन. ओके, वन मोर इज देयर दैट इज इंस्टिलेशन. यस, यू टोल्ड अबाउट ट्रांसडर्मल, दैट्स गुड. चलिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस सर. ये होते हैं आईवी, आईएम, आईडी और एससी. आईडी इज रिलेटेड टू इंट्राडर्मल. यस. एंड एससी इज फॉर सबक्यूटेनियस. यस. व्हाट आर हार्ड ड्रग्स सर. ड्रग्स दैट आर एडिक्टिव एंड इंजेक्टेबल. एनी एग्जांपल. इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे हीरोइन और कोकेन. ओके. ड्रग्स के दो नेम होते हैं. यस सर. तो उनके बारे में कुछ बता सकते हैं कि हर ड्रग के दो ही नेम होते हैं अलग-अलग, क्यों, रीजन ऐसा कुछ? यस सर. सर, फर्स्ट नेम इज जेनरिक एंड और केमिकल नेम. ओके. और सेकंड इज ब्रांड नेम. मोनिका, व्हिच एपरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट? सर, कॉनिकल फ्लास्क. के यदि आपको कोई ब्राइब करे जॉब के दौरान तो आप क्या करेंगे? सर, मैं ऐसे करप्ट लोगों के लिए सख्त एक्शन लूंगी और उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा से ऐसे कुछ गलती ना करें. ओके मोनिका, आप ड्रग इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर, साइंस मेरा शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है. एक्सप्लोर न्यू कल्चर और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स मेरी हॉबीज हैं. सर, जैसा कि हम जानते हैं कि एडल्ट्रेशन की वजह से बहुत से लोगों की जान चली जाती है और आजकल के गरीब आदमी अगर रोटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है लेकिन दवाइयों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. बिल्कुल. और जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम पैसे देकर भी अगर नकली दवाइयों की सेवन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एजुकेटेड लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है. तो मैं इस पोस्ट के दौरान कॉस्मेटिक और खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोकना चाहती हूँ और लोगों को अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने से रोकना चाहती हूँ. ओके, वेरी गुड. मोनिका, फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते हैं? सर, एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने फादर के लिए एक हेल्पिंग हैंड का वर्क करना चाहती हूँ. अगर मुझे आगे मौका मिलता है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का तो मैं श्योर करूँगी सर. ओके. मोनिका, मान लीजिए कि आप किसी फैमिली फंक्शन में बिजी हो और आप फंक्शन में आपको पता चलता है कि कोई मेडिकल स्टोर है वहाँ पर ड्रग्स वगैरह बहुत बेची जा रही है बड़ी मात्रा में, तो आप क्या करेंगे? सर, मेरे लिए फैमिली फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरे लिए अपनी जो ड्यूटी है वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है. हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी मैं उसको. तो मैं सबसे पहले अपनी ड्यूटी को निभाऊंगी, अपनी फैमिली फंक्शन को अवॉइड करूंगी. सर, आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए. सर, मैं स्ट्रेंथ आई एम जोवियल, वर्सेटाइल एंड फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनैलिटी. और आपकी कोई वीकनेस? सर, माई वीकनेस इज आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश ग्रामर एंड नाउ डेज आई एम वर्किंग अपॉन इट. आपकी हॉबीज बताइए हमें. सर, माई हॉबीज, मुझे फार्मेसी रिलेटेड बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और एक्सप्लोर न्यू कल्चर, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये मेरी हॉबीज हैं. सर, आप जानते हैं इस जॉब के लिए आपको अपने रेजिडेंस पे जॉब नहीं मिल सकती, आपको हो सकता है अपनी सिटी चेंज करनी पड़े, तो मैनेज कैसे करोगी? सर, ये बात मुझे पहले से पता थी कि हमें अदर स्टेट में जॉब करने को मिल सकता है अदर जगह पर. तो ये एक्सप्लोर न्यू कल्चर, ये मेरी हॉबीज है, तो मुझे अच्छा लगेगा सर नए नए कल्चर के बारे में जानने का. और मैं आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, तो कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम फॉर मी, मुझे होम सिकनेस भी नहीं है. सर, एनी स्पेशल रीजन हम आपको सेलेक्ट करें क्योंकि हमारे पास और भी कैंडिडेट्स हैं, ऐसा क्या आप में? सर, इससे मैं तो मैं उन लोगों के साथ तो अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगी जो मेरे तरह लाइन में खड़े हैं. कुछ मुझसे ज़्यादा भी डिजर्व करते हैं, कुछ मुझसे कम भी करते हैं, बट मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी. आई एम डिटर्मिन एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशल टूवर्ड्स माई वर्क एंड आई अश्योर यू दैट इफ यू गिव मी चांस टू शो माई स्ट्रेंथ सर, आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन. डेफिनेटली. और मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, हो सकता है मुझे में कुछ वीकनेस होगी जिसके कारण आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया है. तो मैं अपनी वीकनेस पर वर्क करूँगी, उसे सुधारूंगी और फिर से इंटरव्यू में आऊँगी, सक्सेस होंगे बिकॉज आई बिलीव इन ट्राई ट्राई अगेन. यू लाइक टू वर्क इन लॉन और टीम? सर, इफ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट गर्ल और मैं सारा शेयर खुद नहीं लेती, शेयर करने में बिलीव करती हूँ. आप जानते हैं इस जॉब में बहुत प्रेशर होता है, तो मैनेज कैसे करोगे? सर, जैसे कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, ये हमारी लर्निंग स्टेज है. अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना पसंद करूंगी सर. ओके. चलिए मोनिका, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं. दोस्तों, यदि लास्ट तक आप हमारे किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, इन दिनों हम आपको रेगुलर टिप दे रहे हैं और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है. दोस्तों, यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस है एक कॉमन क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, वो है आपका इंट्रोडक्शन.
यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बात ये समझ लीजिए कि वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन जरूर पूछेंगे, और इंट्रोडक्शन के दौरान हमें क्या करना है क्या नहीं करना इस बात पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, जब आप इंट्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं तो ऑब्वियस है वहां पर वो आपको जब बोले कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कहेंगे सर आई बिलोंग टू, आई हेल फ्रॉम, जो भी आप सिटी का नाम बता रहे हैं। मगर अगर आप सिर्फ सिटी के बारे में ज्यादा बता देते हैं तो वो भी गलत इंप्रेशन होता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने इंट्रोडक्शन के दौरान आप अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। हाँ, आप सिटी का नाम ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप सिटी के बारे में ज्यादा बताने लग जाएं। आप अपने बारे में ज्यादा बताइए, आप अपने बारे में अपने नेम बताइए, अपने नेम को इलैबोरेट करें, आप एजुकेशन बताइए, हॉबीज बताइए, एम बताइए, स्ट्रेंथ बताइए, और इवन अपनी फैमिली के बारे में भी आप नहीं बताएंगे, अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। सबसे पहली बात आप इस बात का ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग अपने नेम से करेंगे, सर आम, या फिर आप कह सकते हैं माई नेम इज, पर माई सेल्फ बोलना थोड़ा सा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, ग्रामेटिकली भी रहोगे और थोड़ा सा ईगो भी शो करता है। यानी कि आप कुछ ऐसा कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर, आई एम मनोज शर्मा एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम सर, एज माई नेम इज जॉवियल, आई डोंट लाइक अदर्स टू रिमेन सैड इन माई कंपनी, सर आई बिलोंग टू श्री गंगानगर विच इज ऑल्सो नोन एज अ फूड बास्केट ऑफ राजस्थान। उसके बाद मैं अपनी एजुकेशन पढ़ाऊंगा, अगर मैंने बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया, उसके बाद में मेरी जो भी एक्सपीरियंस रहा है कुछ, अगर मुझे जॉब एक्सपीरियंस अवेलेबल है, नहीं है तो भी चलेगा। और उसके बाद में अपनी हॉबीज पर आइए, हॉबीज के अंदर आप जो भी अपनी हॉबीज बताएं प्लीज तैयार रहिए कि इंटरव्यू से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। आप बता सकते हैं माई फ्रेंड्स कॉल मी वर्सेटाइल बिकॉज माई एडजस्टेबल नेचर, आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सन, आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट, मोर ओवर आई एम अ कॉम्पिटेटिव पर्सन, आई लव चैलेंजेस। और अपनी स्ट्रेंथ बताइए, अपनी वीकनेस कभी नहीं बताएंगे इंटरव्यू के दौरान। बस इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे आप अपने इंट्रोडक्शन को बहुत बेहतरीन बना लेंगे और अपना सिलेक्शन जरूर करवा लेंगे। मोनिका वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत शेयर होते हैं कि बेटा ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर।